हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आइए आज मैं आप लोगों को आंवले का एक मज़ेदार अचार बनाती हूँ, बना के दिखाती हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही स्पेशल इंग्रेडिएंट्स के साथ हमारा मस्त अचार बन के तैयार हो जाएगा। इसके लिए मैंने क्या किया है कि आप देख सकते हो, मैंने आंवला लिया है, 1 से 2 किलो आंवला है और इसको हम लोग कट करेंगे। चाहे आप तो थाली की मदद से कट कर लीजिए, चाहे चाकू की मदद से, जैसे ही आप लोगों को कट हो पाए, बस बीज का पोर्शन मत निकालिएगा। जैसे बीज जो रहता है ना, वो थोड़ा सा कस्तरापन लगने लगेगा, इसलिए बीज का पोर्शन हटा करके किनारे किनारे का सारे गुद्दा जो होता है वो उसको आप निकाल लीजिएगा। जिससे भी आप लोगों का कट हो जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा शेप देने की जरूरत नहीं है कि एक आकार दिया जाए, नहीं तो फिर वो अचार अच्छा नहीं दिखेगा, क्योंकि कौन सा हमें फैशन में जाना है ना। तो अचार वचार का कोई शेप देने की जरूरत नहीं है, आप लोग को जैसे कट हो वैसे कट कर लीजिए। क्या आप देख सकते हो, मैंने 2 किलो अचार जो करौन आंवला था वो मैंने काट लिया है। और इस आंवले को क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले फिटकरी के पानी में डिप करके रखेंगे, जिससे कि क्या होगा ना, इसका कस्तरापन निकल जाएगा। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, पहले फिटकरी लेना है, 1/2 चम्मच हम लोग फिटकरी लेंगे। इसको मैं कूच लूँगी, तो ये देख सकते हो हमने फिटकरी के पानी में इसको भिगो करके रख दिया था। तो फिटकरी के पानी में 1 दिन के लिए भिगो के रखना था, फिर नेक्स्ट डे मैं आप लोगों को बता रही हूँ क्या करना है। आप लोगों को इसको अच्छे से वॉश आउट कर लेना है, क्योंकि फिटकरी का पानी है तो थोड़ा सा वॉश आउट करना ज़रूरी है। वॉश आउट नहीं करेंगे तो थोड़ा सा कस्तरापन रह जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि कोई भी बड़ा बर्तन ले लीजिएगा, जिसमें कि आप लोग अपने करौंदे को अच्छे से रख सको कम से कम 2 दिन के लिए, क्योंकि इसमें का पानी जो है ना वो निकलना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर और 2 चम्मच मैंने नमक डाल करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके हम लोग 2 दिन के लिए रख देंगे। इससे क्या होगा ना कि इसका पानी छोड़ देगा, पानी छोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। अगर पानी नहीं छोड़ेगा तो फिर आपके अचार में पानी छोड़ेगा और फिर वो अचार आप लोगों का ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग को क्या करना है कि इसको भी मतलब जो पान नमक और हल्दी से मिक्स करके इसको कम से कम 2 दिन के लिए छोड़ देना है। अचार बनने में कम से कम 4 से 5 दिन आप लोग का लग जाएगा इसको। कि 2 दिन बाद में आप लोग को दिखाऊं तो ये अच्छे तरीके से पानी नीचे छोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको धूप लगा देंगे और धूप भी आप लोग को कम से कम 2 दिन दिखाना है, तेज़ वाली धूप, जब तक कि आपका ये जो आंवला है वो अपने आप सुकड़ करके छोटा आकार न ले ले। तो ये देख सकते हो पानी नीचे बचा है ना, तो ये हमारा पानी इतना छोड़ा था। आप लोगों का पानी थोड़ा ज़्यादा भी छोड़ सकता है, क्योंकि आंवला पे डिपेंड करता है कि आपके आंवला में कितना रस है। तो ये हमारा पानी 2 दिन मैंने छोड़ दिया था भिगो करके हल्दी और नमक के मिक्सर में, तो ये पानी छोड़ दिया था। फिर उसके बाद हम लोग धूप दिखाएंगे 2 दिन का, 2 दिन बाद में आप लोग को दिखाते हैं। 2 दिन बाद अब हम लोग अचार बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया है, खड़ा धनिया मैंने लिया है 3 स्पून, लाल मिर्च मैंने लिए हैं 15 और मेथी दाना मैंने लिया है 2 चम्मच। 2 चम्मच जो है ना, मतलब बड़ा स्पून ही रहेगा। सौंफ जो है वो भी 2 स्पून लिया है और हींग अभी मैं 1/2 स्पून लूँगी और मंगरेल जो है वो 1 स्पून लेंगे और पीला सरसों जो है वो 1/2 कटोरी, जो छोटा वाला कटोरी होता है ना, जो बड़ा वाला कटोरी का 1/2 कटोरी हम लोग लेंगे और तेल भी हम लोग का 1 कटोरी इसमें जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कढ़ाई रख देंगे। कढ़ाई में सबसे पहले हम लोग सरसों को छोड़ करके, पीला सरसों में इसमें यूज़ करनी होगा, अगर आप पीला सरसों नहीं है तो काला सरसों भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं इस टाइम पीला सरसों यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम लोग कढ़ाई में उसको फ्राई कर लेंगे। पीला सरसों अभी हम लोग नहीं डालेंगे, क्योंकि पीला सरसों हम जल्दी से वो फूटने लगता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको फ्राई कर लेते हैं, हल्का सा भून लेते हैं अपने मसाले को, उसके बाद हम लोग पीला सरसों डालेंगे। देख सकते हो हमारा मसाला भून चुका है, हम गैस को ऑफ़ कर देंगे, अच्छी खुशबू आने लगी थी। अब हम डालेंगे उसमें पीला सरसों और गैस को ऑफ करने के बाद इसको हम लगातार चलाते जाएंगे, सिर्फ 1 मिनट के लिए चलाते जाएंगे और 1 मिनट बाद हम लोग उसको निकाल करके ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद हम उसको मिक्सी में पीस लेंगे। या फिर आप लोग कढ़ाई में भी छोड़ सकते हो, मैंने जैसे कि कढ़ाई में छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए। तो कढ़ाई में छोड़ने के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसको पीसती हूँ। तो ये ठंडा हो चुका है, मैं इसको पीसने जा रही हूँ। तो इस चीज़ का आप ध्यान देगा कि जो पीला सरसों या काला सरसों जो भी आप लोग यूज़ करोगे उसको आप लोग लास्ट में डालिएगा। और ये देखिए मैंने मिक्सर में पीस लिया है और हल्का दरदरा ही पीसा, आप लोग इसका देख सकते हो स्ट्रक्चर, ये हल्का दरदरा ही है, बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसना है, ये दरदरा ही रहना चाहिए मसाला। तो आप लोग इसका ध्यान दीजिएगा कि मसाला जो आप लोग का दरदरा ही रहेगा, वो महीन नहीं रहेगा। ये 2 घने मैंने पीसा हुआ है, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि अच्छे से पीस जाता है, एक बार में ही पीस दो तो वो बहुत ज़्यादा महीन हो जाता है, इसलिए मैंने ज़्यादा डाल करके इसको अच्छे से पीसा हुआ है। और ये देख सकते हो 2 दिन बाद हमारा आंवला सिकुड़ के छोटा आकार ले चुका है। मैं क्या करूँगी, एक डब्बा ले लेंगे जिसमें हम लोग अचार बनाएंगे। इसमें सबसे पहले हमने डाला है 1 ढक्कन तेल और बेस तैयार कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले बेस तैयार करना बहुत ज़रूरी है नीचे के लिए, और इसमें डाला है 1/2 टीस्पून हींग। तो इस दोनों को मिक्स करके हम लोग अच्छे तरीके से डब्बे में फैला लेंगे। और उसके बाद ये देख सकते हो मेरा आंवला है जो हमने अभी सुखा हुआ था, इसमें हम डालेंगे हींग। 1/2 स्पून मैंने हींग डाला है इसमें फिर से,
वो तो हमने डाला था हाफ टी स्पून, ये लार्ज स्पून जो होता है ना उसका हाफ टी स्पून मैंने डाला है इसमें। और सारे मसाले हमने डाल दिए, जो हमने मसाला भी पीसे हुए थे सारे के सारे मसाला हमने डाल दिए। अब हम इसको तरीके से मिलाएंगे। सबसे पहले हम डालेंगे नमक, नमक डालेंगे कम से कम 5 चम्मच, 5 बड़े चम्मच नमक इसमें ज़रूर जाएंगे। बड़ा चम्मच का मतलब आप लोग कलछा वाला चम्मच में समझ लीजिएगा, जैसे कि जो आप लोग घर में यूज़ करते हैं मसाला वगैरह के लिए ना छोटा स्पून आता है, और जो हम लोग घर में खाने के लिए कुछ भी यूज़ करते हैं वो बड़ा स्पून यूज़ होता है। इसलिए आप जो कैसे इसका ध्यान दीजिएगा कि बड़ा स्पून, मेरे कहने का ये मतलब है कि जो आप लोग घर में खाने के लिए यूज़ करते हो वो वाला स्पून। तो और फिर उसके बाद एक कटोरी कम से कम भर करके हम इसमें तेल जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले थोड़ा थोड़ा तेल करके मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि तेल मतलब थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे ना तो तरीके से मिक्स हो जाएगा। इकट्ठे तेल डाल देंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है इसको मिक्स करने में, इससे थोड़ा थोड़ा तेल डालते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसे मिक्स करते जाएंगे कि आप देख सकते हो तरीके से मिक्स हो चुका है। पर ये अभी भी अचार बनकर तैयार नहीं हुआ है, इसको आप लोग को अभी 2 से 3 धूप और लगानी है, ठीक है। तो ये देख सकते हो मैंने काला नमक भी डाल दिया थोड़ा सा टेस्ट के लिए, बढ़ाने के लिए 2 स्पून मैंने काला नमक डाला है, थोड़ा सा टेस्ट और अच्छा आ जाएगा। तो अच्छे तरीके से हमने फिर से मिक्स कर देंगे, मिक्स करने के बाद उसको डब्बा में भर देंगे, और डब्बा में भरने के बाद कम से कम 2 से 3 धूप आप लोग को उसको अच्छे से दिखाना है जब तक ये पके ना। तो मैं भी आप लोग को लास्ट में दिखाऊंगी भी कि कैसे ये पक जाएगा। तो ये तो हमारा मज़ेदार अचार बनके तैयार होगा। आप ये देख सकते हो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, टाइम लगेगा लेकिन मेहनत नहीं है। तो 2-3 दिन आपको धूप में रखना ही तो है, और जैसे हल्दी और नमक मिला करके आप लोग को सिर्फ रख ही देना है 2 दिन के लिए, धूप भी दिखाना है रख ही देना है एक तरीके से फैला करके। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत का काम नहीं है, बट हाँ बहुत अच्छे तरीके से बन जाता है, बहुत टेस्टी भी लगता है। और डब्बे में चाय भरने के बाद ऊपर से हम लोग 1 स्पून मतलब एक बड़ा स्पून जो होता है उसका हम लोग कम से कम तेल डाल देंगे। तो इससे क्या, या फिर कह सकते हो जो छोटा वाला प्लेट होता है ना उसका आधा प्लेट मतलब तेल डालेंगे ऊपर से, क्योंकि इससे आपका अचार जो है वो अच्छे तरीके से पक जाएगा। क्योंकि तेल में जब भींगा रहता है अचार ना, जैसे आम आम का भी अचार आप लोग डालते होगे तो देखते होगे कि जब आप लोग का तेल अचार में भींगा होता है तो अचार बहुत अच्छे तरीके से पक जाता है। अगर तेल में अचार नहीं भींगा है तो उसको पकने में टाइम लगता है। तो मैं क्या करेंगे, 2 से 3 धूप मैंने दिखा दिया, तो 2 से 3 धूप दिखाने के बाद मैं आप लोग को लास्ट में दिखाती हूँ। देख सकते हो ये 2 से 3 धूप दिखाने के बाद ये दब भी गया है, क्योंकि ये दबता मतलब जैसे ये अभी भरा था ना, लेकिन पकते पकते ये नीचे हो ही जाता है। तो ये देख सकते हो अब इतना भी नीचे नहीं होगा, ये डब्बा जो है उसमें ज़्यादा नीचे इसलिए हो गया है क्योंकि मैंने दूसरे डब्बे में पलट दिया था, बट हाँ थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। ये हमारा अचार बिल्कुल पक चुका है, अभी मैं इसको खा के दिखाती हूँ आप लोग को। ये मैंने लिया है मटर की घुघरी और चावल, और ये यमी सा अचार हमारा आंवले का जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। देख सकते हो ये अच्छे तरीके से टूट भी रहा है ना, तो आप लोग इसको खाइए। और मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।